हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सब्जी। उसके लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग और कद्दूकस किया हुआ लहसुन। इन सबको एक बार मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी एक बार मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी को कढ़ाई में डाल दिया है और पत्ता गोभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। कुछ देर तक पत्ता गोभी को हम ऐसे ही पकने देते हैं, हल्का सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। एक बार फिर से मिला लेते हैं और इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। इन सब मसालों को हम एक बार मिला लेते हैं। ये मसाले मैंने घर में डेली में यूज लेने वाले ही मसाले यूज किए हैं, जो हर किसी के घर पे आसानी से मिल जाते हैं। तो इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और कुछ देर तक पकने देते हैं। जब मसाले हमारे अच्छे से पकेंगे तभी सब्जी का जो स्वाद है वो और भी ज्यादा अच्छा आएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं। जब मसाले हमारे अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डाल देते हैं 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से मिलाएंगे और इस सब्जी में हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ढक्कन लगाकर हम इसको कुछ देर तक पकने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं सब्जी हमारी तैयार ही है और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते। इनको भी एक बार मिला लेते हैं और अभी फाइनली हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सब्जी बनाई है। इसे हम आसानी से अपने घर पे बहुत ही कम समय में बना के तैयार कर सकते हैं। तो सब्जी तो हमने बना के तैयार कर ली और अभी हम बनाएंगे पराठे। पराठे भी हम आसान तरीके से बनाएंगे और वो भी गेहूं के आटे से। उसके लिए मैंने एक परात में गेहूं का आटा ले लिया है छानकर। उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसका हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा तैयार है तो अभी हम बना लेते हैं इसके पराठे। और मैं आपको लच्छे वाला एक पराठा बनाने के तरीका बताऊंगी। गर्मा गर्म पत्ता गोभी की सब्जी के साथ अगर पराठा मिल जाए तो बात ही क्या, खाने का मजा ही आ जाता है। तो एक लोई लेंगे हम, लोई बनाकर हम इसको बेलेंगे। सूखा आटा लगा देते हैं एक बार और अब हम इसमें लगाएंगे घी। थोड़ा सा हम इसमें घी लगाकर रोटी के ऊपर फैला लेते हैं और इसको फोल्ड कर देते हैं। उसके ऊपर हम और थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा देते हैं और इसको भी हम फोल्ड कर देते हैं और हम तिकोनी पूड़ी बना रहे हैं और इसको हम बेल लेते हैं। इस तरह से अगर आप पूड़ी या पराठा बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लच्छेदार हमारा पराठा बनके तैयार होता है।
गैस पे मैंने तवा रख दिया है और उस पे मैंने ये पराठा रख दिया है। पराठा एक तरफ से हल्का सा सिज जाए तो इसको हम पलट लेते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से हल्का सा सिक चुका है तो इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। अब घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं और इनको हम पलटते जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जिस तरह से पराठा बना था, ये देखिए लच्छेदार पराठा हमारा, इसमें दो तीन लेयर दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमारे पराठा बनके तैयार हुआ है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।